प्रेरणा कथा अलविदा। सोनम अपने बेटे मिंकू को अपनी पुरानी शॉल में लपेटे हवा से बचाने का प्रयास कर रही थी। मिंकू अभी दूध पीने वाला बच्चा था। सोनम एक पुरानी सूती साड़ी पहनी थी। दिखने में तो वो बहुत ही सुंदर थी, परंतु उसके कपड़ों और बालों के अस्त व्यस्त जुड़े से गरीबी स्पष्ट झलक रही थी। गाड़ी में चढ़ने से पहले उसने अपने पति को अलविदा कहा। रेलगाड़ी में अपनी बर्थ पर बैठने के बाद उसने अपनी पुरानी चप्पलों को ठीक जगह पर रख दिया। खिड़की से बाहर अपने पति दिवाकर को खोजने लगी। दिवाकर ने खिड़की में से एक बिस्किट का पैकेट अपनी पत्नी के हाथ में दे दिया, मिंकू के लिए। सोनम और दिवाकर दोनों दुखी दिख रहे थे। दिवाकर ने सोनम का सूटकेस उनके गांव के एक परिचित व्यक्ति राघव को थमा दिया था। सोनम अपने गांव से दूर दिल्ली में एक घर में नौकरानी का काम करने के लिए जा रही थी। राघव ने ही वो काम दिलवाने का वचन दिया था। वो अब सोनम को साथ लेकर दिल्ली जा रहा था। अपनी गरीबी से तंग आकर ही दिवाकर और सोनम ने ये कदम चला था। गांव में बाढ़ के कारण उनके खेत बिगड़ गए थे और उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। मिंकू के खाने का प्रबंध करना भी मुश्किल हो गया था, इसीलिए राघव ने सोनम को दिल्ली में काम दिलवाने का वादा किया था। राघव ने ट्रेन छूटने से पहले कहा, तुम चिंता बिल्कुल मत करो, सब ठीक हो जाएगा। दिवाकर ने अपनी पत्नी की आंखों में आंसू देख लिए थे। उसने अपनी पत्नी से कहा, कुछ ही महीने तुमको वहां काम करना होगा, तब तक हमारी फसल भी हो जाएगी। फिर राघव भाई तुम्हारे साथ है, कोई बात हो तो इनको कह देना, तुम जब चाहो वापिस आ जाना। दिवाकर जानता था कि 6 महीने से पहले सोनम को कोई आने नहीं देगा। सोनम चुपचाप खिड़की से अपने पति की बातें सुन रही थी। राघव भी उसको आश्वासन दे रहा था कि सब ठीक हो जाएगा। अचानक ट्रेन की सीटी बजी और ट्रेन हिल गई। छूटने का समय हो गया था। दिवाकर ने हाथ हिलाकर अपनी पत्नी को अलविदा कहा। ट्रेन ने गति पकड़ ली। राघव ने रेल की खिड़की बंद कर दी। 36 घंटे की लंबी यात्रा थी दिल्ली तक की। ट्रेन के अंदर भी सर्दी बहुत थी। सोनम अपने बच्चे के साथ सिकुड़कर बर्थ के एक कोने में बैठी थी। वो उस रात बिल्कुल सो नहीं सकी। अगली सुबह राघव उसके लिए चाय ले आया। चाय पीकर उसको थोड़ी राहत महसूस हुई। सोनम का बेटा मिंकू गहरी नींद में सोया हुआ था। राघव ने अपना मोबाइल फोन निकालकर दिवाकर को फोन करने का नाटक किया। उसने सोनम से कहा कि उसका फोन काम नहीं कर रहा था। राघव ने सोनम से उसका फोन मांगा। सोनम ने फोन दे दिया। फोन करने के बाद राघव ने कहा, मैं अभी ये फोन अपने पास रख लेता हूं। सोनम ने कहा, दिल्ली पहुंचने के बाद मुझे दे देना। राघव ने सोनम का फोन अपनी जेब में रख लिया और राहत की सांस ली। कुछ देर बाद राघव कुछ खाना ले आया। दिन भर राघव कुछ न कुछ खाने के लिए लाता रहा। सोनम को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हुई। अगली सुबह ट्रेन दिल्ली पहुंच गई। राघव, सोनम और उसका बेटा मिंकू ट्रेन से उतर गया। राघव ने सोनम और मिंकू को प्लेटफॉर्म पर एक बेंच पर बैठने को कहा। राघव स्टेशन से बाहर चला गया। उसी समय उसके गैंग का बॉस रघुवीर सिंह आ गया। राघव ने दूर से रघुवीर सिंह को दिखाया कि सोनम और उसका बेटा मिंकू उस बेंच पर बैठ गया। रघुवीर सिंह ने कहा, पहले मैं उस औरत को देखूंगा और फिर तुमको पैसे दूंगा। सोनम की सुंदरता को देखकर रघुवीर सिंह की आंखों में चमक आ गई। वो देखते ही समझ गया कि वो औरत बहुत ऊंचे दाम पर बिक सकती थी। उसने तुरंत अपने जेब से 10,000 रुपये निकालकर राघव को दे दिए और पूछा कि उसके पास मोबाइल है। राघव ने कहा, उसका मोबाइल मेरे पास है, तुम चिंता मत करो। दोनों हंसने लगे और राघव ने पैसे अपने जेब में रख लिए। दोनों स्टेशन के बाहर चले गए। वहां पर छोटू और उसकी पत्नी गीता खड़े थे।
वो दोनों भी औरतों के बेचने के धंधे में थे। रघुवीर ने गीता से कहा, औरत स्टेशन पर है, तुम अब अपना काम करो, ध्यान रखना। राघव गीता को साथ लेकर सोनम के पास आ गया। एक जवान लड़का रवि उन सबको दूर से देख रहा था। उसने फोन करके अपने दोस्त प्रवीण को बुलाया था, पर वो अभी तक नहीं आया था। रवि कुछ करना चाहता था, पर वो असहाय था। प्रवीण का फोन नहीं लग रहा था। राघव गीता को लेकर सोनम के पास आया और बोला, सोनम ये नीलम है, तुम्हारी नई पड़ोसन। सोनम ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे और मेरे बेटे मिंकू को बहुत भूख लगी है राघव भैया, क्या आपके पास खाने को कुछ है? गीता ने कहा, मेरे पास बिस्किट है और दूध भी है, लो ये ले लो। रवि दूर खड़ा गीता और राघव की तस्वीरें खींच रहा था। सोनम और मिंकू ने जल्दी जल्दी वो बिस्किट खा लिए और मिंकू ने दूध पी लिया। राघव ने कहा, मैं कुछ देर में आता हूं, वो स्टेशन से बाहर चला गया। गीता ने सोनम से बातचीत शुरू कर दी। वो उससे उसके घर और परिवार के बारे में पूछने लगी। सोनम को अचानक चक्कर आने लगा, उसको नींद आने लगी। वो नहीं जानती थी कि बिस्किट और दूध में नशा मिलाया हुआ था। गीता वहीं बेंच पर बेहोश हो गई। गीता ने तुरंत ही राघव को बुला लिया और बताया कि सोनम बेहोश हो गई थी। राघव रघुवीर और छोटू वहां आ गए। उन्होंने सोनम और मिंकू को उठाया और बाहर इंतजार कर रही एक कार की तरफ ले चले। उन्होंने दोनों को उस कार में लिटा दिया। उन्होंने मिंकू को एक बड़े से बैग में रखकर बैग को बंद कर दिया। रघुवीर और राघव ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। राघव मुस्कुराकर फिर से स्टेशन में चला गया। उसके जेब में पैसे थे। दूसरी तरफ रवि सब देख रहा था। उसने एक टैक्सी ली और उस कार का पीछा करने लगा। वो लोग उस बैग को जिसमें मिंकू था वहीं स्टेशन के बाहर छोड़ गए थे। रवि नहीं जानता था कि उस बैग में छोटा बच्चा था। कार और टैक्सी जयपुर के रास्ते पर दौड़ने लगी। अचानक वो कार जिसमें सोनम थी बाईं तरफ मुड़ी, पर रवि की टैक्सी सामने से आ रही एक मोटरसाइकिल से टकरा गई। बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। रवि ने टैक्सी वाले को पैसे दिए और दूसरी टैक्सी ले ली। सोनम को ले जा रही कार न जाने कहां गायब हो चुकी थी। रवि ने कार का नंबर एक कागज पर लिखा था। उसने अपने दोस्त प्रवीण को फिर से फोन किया। प्रवीण ने उसको कहा, सॉरी सर, मेरा फोन बंद था, बैटरी डाउन थी। रवि ने कहा, कार तो ले उड़ी उस औरत को, उस कार को जल्दी ही ढूंढना हो तुम जयपुर हाईवे पर पहले पेट्रोल पंप पर आ जाओ, मैं वहीं इंतजार करूंगा। एक घंटे के बाद प्रवीण आ गया। रवि ने गश्ती पुलिस को सूचना दे दी थी। चारों तरफ उस कार का नंबर बता दिया गया। हवलदार राजेश सिंह ने उस कार को सवाई माधोपुर के पास देखा। राजेश ने तुरंत फोन करके रवि को सूचित किया। रवि ने राजेश सिंह को फोन पर कहा, तुम अपनी मोटरसाइकिल पर उस कार का पीछा करो। एक कचरा उठाने वाली औरत माया ने स्टेशन के बाहर एक बैग देखा। उस बैग में मिंकू था, उसको नहीं मालूम था। उसने जब बैग से बच्चे के रोने की आवाज सुनी, उसने बच्चे को बाहर निकाला और तुरंत ही उसको नजदीक खड़े पुलिस अफसर के पास ले गया। अफसर ने पूछा, ये बच्चा तुमको कहाँ मिला? माया ने वो बैग दिखा दिया। अफसर ने तुरंत रेलवे पुलिस को सूचित किया और वो सब लोग सीसीटीवी पर खोजने लगे कि वो बच्चा उस बैग में कैसे आया। सीसीटीवी में उन्होंने तुरंत ही सोनम और मिंकू को देख लिया। एक हवलदार ने सोनम को पहचान लिया और बताया कि सोनम बेहोश हो गई। हवलदार ने बताया कि कुछ लोग बेहोश औरत को उठाकर बाहर खड़ी एक कार में ले गए थे। अफसर ने तुरंत ही क्राइम ब्रांच को सूचित किया। अफसर ने तुरंत ही एक डॉक्टर बुला लिया और मिंकू को उस डॉक्टर की देखरेख में दे दिया। सोनम को एक बड़ी सी हवेली में एक कमरे में बंद कर दिया गया था। उसके हाथ पांव और मुंह को बांध कर रखा गया था। सोनम अपने बच्चे के बारे में सोच रही थी। वो सोचने लगी कि क्या वो लोग उसके साथ बलात्कार करेंगे। वह अपने पति दिवाकर को याद करने लगी। राजेश सिंह अपनी मोटरसाइकिल के साथ उस हवेली के बाहर खड़ा था। वो अगले आदेश का इंतजार कर रहा था। देर रात रवि, प्रवीण और पुलिस वाले एक गाड़ी में उस हवेली तक पहुंचे। रवि वास्तव में एक बड़ा आईपीएस अफसर था। वो बहुत दिनों से लड़की और स्त्रियों की खरीद फरोख्त करने वाले लोगों के पीछे लगा हुआ था। पुलिस ने पूरे गैंग को पकड़ लिया और उस हवेली में 12 और लड़कियां बरामद की।
उन्होंने उस हवेली में से बहुत सी नकदी और नशे की चीजें प्राप्त की। सोनम को वो लोग दिल्ली ले आए, राघव को भी पकड़ लिया गया और उससे सोनम का मोबाइल भी ले लिया गया। उस फोन से सोनम के पति दिवाकर को फोन किया गया। आसाम पुलिस ने दिवाकर को एक जहाज में एक अफसर के साथ दिल्ली भेज दिया। सोनम और उसके बच्चे मिनकू को एक दिन तक पुलिस ने एक अच्छे से होटल में अपनी निगरानी में रखा। दिवाकर भी आ गया। उनकी कहानी सभी पत्रकारों को सुनाई दी। बहुत से लोगों ने आगे बढ़कर थोड़े थोड़े पैसे उस गरीब दंपति को देने शुरू कर दिए। अगले दिन सोनम और दिवाकर को उनके बेटे मिनकू के साथ आसाम जाने वाली एक रेलगाड़ी में बिठा दिया गया। अफसर रवि ने एक छोटा सा पैकेट दिवाकर और सोनम को दिया और कहा, इसमें 1,00,000 रुपये है। लोगों ने और पुलिस के अफसरों ने ये पैसे इकट्ठे किए हैं। इस पैसे से आप फिर से अपना जीवन शुरू कीजिएगा। दिवाकर जी अपने गांव से किसी भी लड़की या औरत को इस तरह किसी के साथ दिल्ली या किसी और शहर मत जाने दीजिएगा। मित्रों, लड़कियों और औरतों को देह व्यापार के लिए बहुत से लोग गांव से बहला फुसला कर शहरों में ले जाते हैं। आप भी अगर किसी ऐसे असहाय लड़की औरत को देखें तो कृपया उसको किसी तरह बजाने का प्रयास तो जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।